दुनिया का पहला अलार्म क्लॉक, जो दुनिया का पहला अलार्म क्लॉक था, वह एक टाइम में बजता था और आप इसे चेंज नहीं कर सकते थे। ये 4 AM पर बजता था। इस तरह 1987 में बनाया गया था। पर ये 4 बजे क्यों बजता था? पर ये 4 बजे ऐसा क्या था कि ये 4 बजे ही बजता था? इसे बनाने वाला एक धार्मिक व्यक्ति था। मैं सुबह उठकर डेली प्रार्थना करता था, इसलिए उसे एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो उसे करेक्ट टाइम पे यानी 4 बजे उठा सके। Getting highest score in a test that you cheated. Then teacher says you're gonna represent school at quiz competition. Normally, humans की आंखों का झपकाने का रेट 15 से 20 पर मिनट होता है। एक बार चेक करने का प्रयास करें। इसी तरह जब हम किसी स्क्रीन के सामने होते हैं तो हमारी आंखों का ब्लिंक रेट घटकर आधा हो जाता है, यानी 7 blinks पर मिनट। इससे आपकी आंखें इफेक्ट होंगी और हेडेक और आंखें सूखी होंगी। इसलिए जब भी आप किसी स्क्रीन को देख रहे हैं, 15 से 20 मिनट बाद अपनी आंखों को क्लोज करना चाहिए और किसी दूर की चीज को देखना चाहिए। इसे 20-20-20 रूल कहते हैं। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड तक किसी 20 फीट दूर चीज को देखना चाहिए। टीचर, डिड यू कॉपी ईच अदर्स होमवर्क? मी एंड माय फ्रेंड्स? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आवर होमवर्क। बहुत से लोग गूगल में जस्ट टाइप करते हैं, पता है क्यों? जस्ट चेक करने के लिए कि उनकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं। बहुत ज्यादा लोग ऐसा करते हैं। क्या आप भी उनमें से? कमेंट में बताएं। Me at school. 1 hour at school equals 5 hours at home. मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं? आपको पता होगा कि फूलों के रस को लेकर इसे बनाती हैं। पर कैसे बनाती है? एक मधुमक्खी के पास 2 स्टोमक होते हैं, एक नॉर्मल और दूसरा हनी को स्टोर करने वाला। एक मधुमक्खी नेक्टर को लेकर इसे अपने इस हनी स्टोमक में रखती है, जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो हनी को कन्वर्ट करते हैं। परंतु यह मधुमक्खी अब अपने छत्ते में जाती है और इस नेक्टर को दूसरी मधुमक्खी वर्कर के मुंह में डाल देती है, या आप कह सकते हैं वोमिट कर देती है। हर एक मधुमक्खी जब दूसरी मधुमक्खी के मुंह में इसे वोमिट करती है तो इस नेक्टर में हनी को बनाने वाले एंजाइम बढ़ते जाते हैं। इसके बाद जो नेक्टर होता है उसमें पानी अभी भी थोड़ा होता है, तो मधुमक्खियाँ अपने विंग्स को हिलाकर हवा में एक्स्ट्रा पानी को एवेपोरेट कर देती हैं और रस को थोड़ा गाढ़ा कर देती हैं। अब इसमें पानी की मात्रा कम है और एसिडिक भी है, तो ये आसानी से खराब नहीं होगा। अब बैक्टीरिया और यीस्ट इसे खराब नहीं कर सकती। बिल्कुल थोड़े से हनी को बनाने में हजारों मधुमक्खियाँ लगती हैं। Toppers, after losing one mark, I have lost everything.